हेलो फ्रेंड्स, लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th में ये एग्जांपल नंबर 18 मिसलेनियस जो एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं ना एनसीईआरटी में पेज नंबर 130 पे, उसका एग्जांपल नंबर 18 मेरे से मिस हो गया था, इस वीडियो में कवर करेंगे। जो नए बच्चे आए हैं पिन कमेंट चेक करें बच्चों। पिन कमेंट क्या होता है, जो सबसे ऊपर कमेंट आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड लिख के आ रहा होगा, रीड मोड पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे। वहाँ पे आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मतलब आपको जो सी भी एक्सरसाइज देखनी है या जो सी भी एग्जाम्पल आपको देखना है वहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट स्टूडेंट्स, और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो केमिस्ट्री का भी सिलेबस बच्चों पैरेलल में चल रहा है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, ये एग्जाम्पल मिस हो गया था, मैंने देखा नहीं, सॉरी। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ये देखिए, ये देर आर टू इनइक्वालिटीज, 3x-7 इज लेस देन 5+x, और सेकंड वाली है आपकी 11-5x इज लेस देन और इक्वल टू 1, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। अब आप ध्यान दीजिए, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज है, करेक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि इसके सॉल्यूशन को, इस सिस्टम के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, करेक्ट। यानी कि इसको आपको टू डायमेंशनल प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में एक रीजन से नहीं रिप्रेजेंट करना है। याद है ना आपको, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का जो सॉल्यूशन होता था वो एक रीजन में आता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला भाई इसको नंबर लाइन पर दिखाओ। तो चलो हम इसको नंबर लाइन पर दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए, ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी है और ये आपकी सेकेंड इनइक्वालिटी है। सबसे पहले सॉल्विंग फर्स्ट, तो देखिए 3x-7 इज लेस देन 5+x, करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक काम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 7 बोथ साइड ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो 3x-7 इज लेस देन 5+x, 7 हमने लेफ्ट में ऐड किया, 7 हमने राइट में ऐड किया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आपके पास 3x इज लेस देन 5+7 12 और प्लस एक्स, ठीक है। फिर बोथ साइड आप एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट में भी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट में भी एक्स, एक्स कैंसिल हो जाएगा, और 3x-x क्या होता है आपके पास 2x, 2x इज लेस देन 12। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में, 2 से राइट में, ठीक है, 2 वनजा और 2 सिक्सा 12, यानी कि x इज लेस देन क्या आ गया, 6 आ गया। जो फर्स्ट आपकी लीनियर इनइक्वालिटी है वो क्या बोल रही है कि x का वैल्यू 6 से स्मॉल होना चाहिए, करेक्ट, x इज लेस देन 6। अब सेकेंड वाले को पहले सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट वाली का सॉल्यूशन है, ओके स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वाली का सॉल्यूशन यहाँ पर आ गया, यहाँ पे नोट कर लेते हैं इसको, आप कॉपी कर लीजिए, मैं हटा दूंगा, ठीक है ना। देखिए x इज लेस देन 6 आ गया, इसको कॉपी करिए सभी बच्चे, इसको कॉपी करिए, मैं हटा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखिए सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखिए, देखिए यहाँ पर क्या आपके पास 11-5x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 1, ठीक है। तो आप एक काम करो, सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम बोथ साइड, तो 11 राइट में भी सब्ट्रैक्ट करिए और 11 आप लेफ्ट में भी सब्ट्रैक्ट करिए, ये +11-11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास -5x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1-11 -10। अब आप ध्यान दें, -5 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आपके पास ऐसा कुछ था, डिवाइडिंग बाय -5 बोथ साइड, तो -5 से जैसे ही लेफ्ट में और जैसे ही -5 से राइट में लगाओगे आप डिवाइड, ये जो इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड लगाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये लेस देन और इक्वल टू था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा। माइनस से माइनस गया, 5 से 5 गया, ठीक है, -5 वन जा 5 टू जा, तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू व्हाट, 2। तो जो सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी है उसका जो सोल्यूशन आया ये इस तरीके से है। आप सोचो जरा, बात समझो, फर्स्ट वाली जो लीनियर इनइक्वालिटी, इसको अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं, समझो, ये देखो, देखो यहाँ कहीं आपके पास 0 आएगा, करेक्ट, यहाँ कहीं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ कहीं आपके पास 6 आएगा, करेक्ट, यहाँ कहीं आपके पास माइनस में तो कोई नंबर नहीं, फिर भी यहाँ कहीं -6 आएगा, और 1, 2 यहाँ कहीं 2 आएगा आपके पास, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से चेक करो, एक नंबर लाइन और बनाते हैं और एक फाइनल नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये तीन नंबर लाइन क्यों बनाई वो अभी हम आपको बताएंगे। यहाँ 0, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 6, यहाँ कहीं 0, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 6, करेक्ट, यहाँ कहीं -6। नाउ देखिए, फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या है, x इज लेस देन 6, यानी कि 6 पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और x का वैल्यू 6 से लेस होना चाहिए, यानी कि जितना भी होगा कहाँ तक, ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, करेक्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। फिर सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, सेकेंड वाले का सॉल्यूशन ये वाली नंबर लाइन पे हम दिखा रहे हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू 2 के इक्वल हो सकती है या 2 से ग्रेटर हो सकती है, मतलब ये देखिए ये सारा रीजन, और कहाँ तक जाएगा ये पूरा जाएगा आपका कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब आप खुद दिमाग लगाइए, ऊपर वाला और नीचे वाला, इन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन है वो क्या आ रहा है, चेक करिए इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आ रहा है,
देखिए यहाँ टू से लेके ये सिक्स तक का पोर्शन आ रहा है, चक्री टू से लेके सिक्स तक का पोर्शन आ रहा है। देखो टू यहाँ पे भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे भी टू के ऊपर शेड किया गया, यहाँ पे भी टू इंक्लूडेड है, करेक्ट। तो टू को आपको इंक्लूड कर देना है, ये देखिए, ठीक है। फिर ये वाला जो रीजन है ऊपर भी शेड है नीचे भी शेड है, तो ये वाला जो रीजन है ऊपर भी शेड किया गया है नीचे भी शेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऊपर सिक्स को इंक्लूड नहीं किया गया है लेकिन नीचे सिक्स को इंक्लूड किया गया है। बट तो हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है ना। तो सिक्स को हम ओपन कर देंगे। अब जिनको नहीं समझ में आया मेरी बात सुनो, ज़्यादा लफड़ा नहीं करना है, तो एनसीईआरटी में ऐसे था तो मैंने आपको बताया। देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड इनइक्वालिटी इसको कंबाइन करके लिख दो, करेक्ट। इस सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा इसको कंबाइन करके लिख दो। कैसे लिखोगे कंबाइन करके? ये क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू सिक्स से लेस है, तो इसको ऐसे लिखोगे एक्स इज लेस देन सिक्स, और ये क्या कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन है, ये तो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू बट लेस देन सिक्स, सही तो है। देखिए ये दोनों बातें जो लिखी इसको हमने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, करेक्ट। अब इसका सॉल्यूशन नहीं बना पाते हो आप, सोचो क्या कह रहा है ये, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो टू के इक्वल होगी, टू से ग्रेटर होगी। तो ये देखिए टू से ग्रेटर हमने सब कुछ शेड किया, लेकिन क्या कह रहा है सिक्स से लेस होगी, ठीक है। तो सिक्स से आपको लेस वैल्यूज ही लेनी है, और सिक्स को क्या करना है, ओपन करना है, यानी कि सिक्स को आपको इंक्लूड नहीं करना है, करेक्ट, इस तरीके से। और अगर इंटरवल में इसको दिखाना होता तो हम इस तरीके से दिखाते, एक्स बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल टू, क्योंकि टू इंक्लूडेड है, चेक कर लीजिए एक्स का वैल्यू टू के इक्वल हो सकता है, ठीक है। और टू से लेके कहाँ तक, सिक्स तक, करेक्ट। और यहाँ सिक्स पे क्या होगा, ओपन होगा। तो इस तरीके से भी इसका सोल्यूशन हम दिखा सकते थे, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन पे सॉल्यूशन है और ये इंटरवल के फॉर्म में है। तो एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है आपकी लीनियर इनइक्वालिटी की, उसका जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।